झारखंड के रण में आज एक तरफ पीएम मोदी ने तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दम दिखाया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बीजेपी के संकल्प पर फोकस रखा तो राहुल भी जल जंगल जमीन से लेकर अर्थ नीति तक पर सरकार पर सवाल खड़े करते रहे। आज के स्टार वार पर एक खास रिपोर्ट देखें। जो वादा हम देश के लोगों से करते हैं उस पर पूरी ईमानदारी से अमल करते हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने देश में एक विचित्र राजनीतिक माहौल बनाया था जिसके कारण घोषणा पत्रों पर, नेताओं के वादों पर देशवासियों का भरोसा करीब करीब उठ ही गया था। नागरिकता संशोधन बिल की तपिश झारखंड में भी महसूस की गई, जब प्रधानमंत्री ने धनबाद में घोषणा पत्र के एक और वायदे को पूरा करने के बाद अपनी पहली रैली को संबोधित किया। पीएम ने अपने धनबाद की रैली में झारखंड के महागठबंधन पर निशाना साधा। किए गए खून खराबा हुआ, लोगों को जेलों में डाला गया, लोगों को अपनों को खोना पड़ा, तो ये मुसीबत का कारण भी कांग्रेस पार्टी रही है। भाइयों, कांग्रेस पार्टी रही है, उनके साथ ही रहे हैं। वहीं झारखंड के रण में राहुल गांधी ने भी दम दिखाया। राहुल ने महगामा और राजमहल में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। राहुल ने इस बार भी जल जंगल और जमीन का मुद्दा उठाया। आदिवासी दलित से पूछे, गरीब से पूछे, सवर्ण किसान से पूछे, जमीन नहीं ली जा सकती, कर लो जो करना है। छत्तीसगढ़ में जमीन नहीं ली जा सकती। और एक और बात सुन लो, अगर छत्तीसगढ़ में किसी बड़े उद्योगपति ने किसान से जमीन ली और 5 साल के अंदर उसमें काम नहीं शुरू किया तो वो ही जमीन वापस किसान के हवाले कर दी जाती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा तो वहीं महिला सुरक्षा और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। इतना पैसा हम गरीबों के हाथ डालते थे, उतनी तेजी से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चलती थी। जितना हम डालते थे उतनी तेजी से चलती थी। मनरेगा हमने डाला, उन्हीं उद्योगपतियों ने चिल्लाया कि भैया पैसा जाया हो रहा है। नहीं, पैसा जाया नहीं हुआ, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चली 9% पर चल रही थी। अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया, आपके जेब में से पैसा निकाल दिया, पूरा पूरा पैसा आपके जेब में से निकाल दिया, माताओं बहनों के घर से निकाल दिया, नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स छोटे दुकानदारों से छीन लिया। आपके पास माल खरीदने का पैसा नहीं, आपने माल खरीदना बंद किया, शर्ट खरीदना, पैंट खरीदना, मोबाइल फोन खरीदना बंद किया। क्या हुआ, सब फैक्ट्रियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, क्या हुआ, बेरोजगारी शुरू हो गई। झारखंड के महायज्ञ की तीसरी आहुति आज पूरी हो गई। अब दो और आहुतियों के बाद ये यज्ञ पूरा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले वार और पलटवार इस सियासी हवन में जबरदस्त हो रहा है। महागामा से विपिन उपाध्याय के साथ धनबाद से अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट।